दोस्तों बहुत से लोग सांप का नाम सुनकर डर जाते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं, क्योंकि कुछ सांप होते ही बेहद खतरनाक हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सांपों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट बताएंगे, जिससे आप सब अभी तक अनजान थे। क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की प्राइवेट लाइफ कैसी होती है? नर और मादा सांपों को आपने कभी लिपटते हुए देखा है? चलिए आपको पूरा रहस्य बताते हैं। दोस्तों जब सांप एक दूसरे से लिपटते हैं तो हमको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं। पूरे साल घूमने वाले सांपों की सेक्स लाइफ बरसात शुरू होने से 2 महीने पहले शुरू होती है। नर सांप केवल अपनी ही प्रजाति मादा सांप के साथ संबंध बनाता है। ज्यादातर सांप साल में केवल एक बार ही मिलन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सांपों का मिलन जब चाहे तब हो, क्योंकि इसके लिए सांपों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। कभी कभी ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि उनमें से एक सांप की मौत तक हो जाती है। आपको बता दूं कि नर सांप को मादा सांप से संबंध बनाने के लिए एक दूसरे नर सांप से लड़ना पड़ता है। मादा सांप नर सांपों के पास ऐसे ही नहीं चली आती, उसके लिए नर सांपों को उन्हें खोजना पड़ता है। दोस्तों आपको ये बात शायद पता हो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने जब एंडाकोंडा पर रिसर्च की थी तो ये बात सामने आई थी कि रिसर्च के मुताबिक मादा एंडाकोंडा सांप नर एंडाकोंडा सांप को सेक्स के बाद खा जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इतना ही नहीं, पहले तो हम ये समझते थे कि सांपों में सेक्स के दौरान नर हैवी होते हैं। जहाँ दूसरे जानवरों में नर बड़े आकार के और ज्यादा ताकतवर होते हैं, वहीं सांपों में इसका उल्टा होता है, क्योंकि सांपों में मादा सांप ज्यादा ताकतवर होती है। यही कारण है कि सेक्स के बाद नर सांप वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा करने से मादा सांपों को पौष्टिक आहार मिलता है, क्योंकि जब मादा सांप गर्भवती होती है तो वह 7 महीनों तक कुछ नहीं खाती, इसीलिए वो नर सांप को निगल लेती है ताकि उस मादा सांप का पेट भरा रहे। दोस्तों एक बात तो आपने सुनी होगी कि सांपों को दूर का नहीं दिखता है, तो वह मादा सांप को कैसे ढूंढते हैं? हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि सांपों में सेक्स की पहल मादा करती है। जब मादा सांप गर्मियों में नींद से उठती है तो वो कैंचुली छोड़ती है। इसके बाद वो फेरामोन नाम का हार्मोन छोड़ती है। इसी की मदद से नर सांप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों मादा सांप जितनी बड़ी होती है वो उतने ही ज्यादा अंडे देती है। वहीं एक मादा सांप कई नर सांपों के साथ संबंध बनाती है। और आपको बता दूं कि मादा सांप जिन नर सांपों के साथ संबंध बनाती है उन सभी के शुक्राणु अपने अंदर रखती है। फिर वो खुद निर्णय लेती है कि किससे बच्चा पैदा करना है और जिससे उसका बच्चा सबसे ज्यादा मजबूत हो। एक बात और दोस्तों, अगर मादा सांप का संबंध बनाने का मन नहीं हो तो नर सांप चाहकर भी संबंध नहीं बना सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मादा सांपों में एक खासियत होती है जिसे वैज्ञानिक मैटिन पल्प कहते हैं, जिससे मादा सांप सेक्स करने का रास्ता बंद कर सकती है। ये तो हुई दोस्तों सांपों की अपनी प्राइवेट लाइफ। आइए अब जानते हैं सांपों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर सकती है। दुनिया भर में विषैले सांपों की लगभग 725 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 250 प्रजातियों के सांप इंसानों पर सबसे ज्यादा हमले करते हैं। वहीं आपको बता दूं कि सांप मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जीव है, जिनकी आंखों पर पलकें नहीं होती। सांपों के मुंह में चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसीलिए वे अपना भोजन चबाने की बजाय निगलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांपों के आंतरिक कान होते हैं, लेकिन बाहरी कान नहीं होते। विश्व भर में सांपों की लगभग 3000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या ये बात आप जानते हैं कि सांप सूंघने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं? वहीं सांप की त्वचा चिकनी व सूखी होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। वहीं जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।